डिटरमाइन द पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमें बताना है कि वो पॉइंट क्या है आपके, कोलिनियर, सेम इसकी तरह, मतलब एक ही लाइन में है या फिर नहीं है, इसकी तरह करना है कि अगर दो का सम थर्ड से मिलना चाहिए, मिल गया तो कोलिनियर है, नहीं मिला तो कोलिनियर नहीं है। हमारे पास तीन पॉइंट, तीनों को आप लिख देना, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस फाइंड करने का लगाओ फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल। हमें बताना है कोलिनियर है या नहीं, मतलब दो का सम थर्ड के इक्वल होगा तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जिसको हमने अभी एग्जांपल वाला क्वेश्चन जो किया था ना, उसमें उसमें भी लाइन कोलिनियर थी, तो मतलब दो का सम थर्ड से मिलना चाहिए। अगर यहां भी मिल गया तो ये भी क्या हो जाएगी, कोलिनियर। शुरू करते हैं हम ए बी से, ए बी शुरू करते हैं, देखो ए बी में इन दोनों पर ही ध्यान देना है, आगे वाले में से आगे वाला माइनस करो और पीछे वाले में से पीछे वाला माइनस करो, आप चाहो तो लिखो थ्री माइनस फाइव या फाइव माइनस थ्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाओ माइनस करो, इधर आया वन, इधर आया टू, ये आया वन और ये है फोर, फोर प्लस वन कितना होता है फाइव, जब आप फाइव का रूट निकालते हो तो निकालना है, नहीं ऐसे रहने देना, और अब एडलेस करने के लिए रूट फाइव में ही आंसर आने चाहिए, नहीं तो आप वो टुकड़े भी, आप एडलेस भी नहीं कर सकते। अब यहाँ रूट फाइव, जैसे यहाँ पर देखो अभी रूट टू में आंसर आया था, तो सारे रूट टू ही होंगे तो ही एडलेस होंगे, थोड़ा सा बिलग आ गया तो एड होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पर टू रूट थ्री आ जाता तो भी एड नहीं हो। एड करने के लिए ऐसा मानते हैं कि ये रूट टू है ना, इसको हमें एक्स मान लो, माना कि एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो हमने एक्स ऐड कर लिया, थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, पीछे जो रूट है ना टू है तो वो एक्स हो गया, जैसे कुछ नया आ गया रूट थ्री तो हम क्या मानेंगे उसको, हम वाई मान लेंगे, कुछ नया आ गया रूट फाइव उसको हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे, तो ऐसे काम करेगा वो। देखो अगला हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया, अब यहाँ लेते हैं बीसी साइड, ये दोनों आगे वाले में से आगे वाला क्या करना है आपको, माइनस करना, पीछे वाले में पीछे वाला माइनस करना है, थ्री में से माइनस करना है माइनस का इलेवन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पर ही माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों ऐड कर लो फोर्टीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फोर्टीन का 196, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 212, तो रूट निकालो टुकड़े कर लो चाहो तो, टू का डिवाइड जाएगा 106, फिर टू का डिवाइड जाएगा 53, किसी का डिवाइड नहीं जाता, तो हमारा आंसर क्या आया, जिसका पैर बन गया वो नंबर बाहर, जिसका पैर नहीं बना वो रूट के अंदर, ऐसे। और देखो ये रूट अलग है नहीं, ये रूट अलग है, वो एक्स आ गया नहीं, वाई मान अलग है, दोनों आपस में ऐड हो गए ही नहीं, तो ये ऐसे ही कोलिनियर है ही नहीं। फिर भी एक और फाइंड कर लेते हैं हम, अगला फाइंड करते हैं यहाँ पर हम एसी, फाइंड तो पूरा ही करना, क्या लिखोगे यहाँ पर आप, एसी मतलब इन दोनों को, वन में से माइनस करना है माइनस का टू का होल स्क्वायर, फिर ये और ये, फाइव में से माइनस करेंगे माइनस का इलेवन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वन प्लस टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस इलेवन फाइव कितना होता है सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन का 256, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके 265, ये होता है बड़े क्रॉस, इसमें फाइव का डिवाइड जाता है, फाइव टाइम वन बच गया थ्री टाइम, दोनों का ही पैर नहीं बन रहा ना, इसका पैर बना ना इसका पैर बना, तो ऐसे ही रहेगा नंबर, पैर बना ही नहीं तो यही नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस लाइन्स आर नॉन कोलिनियर, दिस इज नॉन कोलिनियर,
ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर, लाइन कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि दो का सम थर्ड से मिला ही नहीं। जोड़ तभी ऐड तभी होगा जब यहां पर रूट फाइव है, यहां पर रूट फाइव है, यहां पर रूट फाइव है, तो ही ऐड होगा, ऐसे किसी को ऐड नहीं करते।